आपको लगता है गुड़ बहुत सस्ता है, लेकिन मेहनत कितनी होती है, जितनी मेहनत होती है उतनी उसका दाम नहीं है। अगर सही में उसका दाम लगाने जाओगे तो बहुत महंगा होना चाहिए। भाई साहब पति पूरी गन्ने की खान है, यहाँ से पूरे लखनऊ में मतलब गुड़ को सप्लाई किया जाता है। आप देख सकते हो खुद अपनी आंखों से, आप देख सकते हो, आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। और ये देखो तीन लोग बैठे हुए यहाँ पे, ये भाई साहब गन्ना छाट के इन्हें दे रहे हैं। और यहाँ दो लोग देखो, ये देखो ये कोलू है, इसे देसी भाषा में कोलू बोलते हैं ना भाई साहब, इसे देसी भाषा में कोलू बोलते हैं। गन्ने का रस इस तरह से निकलता रहता है यहाँ पे, और आपको दिखाते हैं हम, गन्ने का रस जो है एकदम ताजा निकलता है बेहतरीन। आप चाहे तो ऐसे ग्लास लगा के पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रस यहाँ से निकल के, ठीक है, ये रस यहाँ से निकल के कहाँ जाता है वो दिखाते हैं आपको हम। एकदम बढ़िया रस है, एकदम ताजा ताजा, एकदम गरम गरम। और वो जो रस था वो निकलता है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये यहाँ पे रस निकल रहा है, ठीक है। ये टैंक है, एकदम यहाँ पे रस निकल रहा है इस टैंक में, अब निकला, ठीक है। वो कोलू है, ठीक है। ये सेटअप देख सकते हो आप, ये सेटअप है अपना ऐसा, ठीक है, ये सेटअप है। इससे गुड़ कैसे बनाते हैं, ये रस यहाँ से पाइप के माध्यम से है ना, पाइप जा रही है नीचे नीचे, पाइप जा रही है, देखो ये नीचे नीचे पाइप जा रही है, और ये पाइप के माध्यम से, ये पाइप के माध्यम से ये रस निकलता है यहाँ पे, यहाँ पे ये रस निकलता है, यहाँ पे ये रस साफ होता है। इसके नीचे आग है, ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे वो आग कहाँ से जलाई जा रही है। और वो आग जो जलाते हैं वो लकड़ी से नहीं जलाते हैं, ना कोयला से जलाते हैं। ये जो गन्ना जो पेरते हैं उसका जो वेस्ट, मतलब जो उसके बाद पेरने के बाद जो उसका मतलब बच जाता है, उसको ईंधन के काम में यूज किया जाता है। ईंधन मतलब अंग्रेजी में फ्यूल बोलते हैं, जिनको हिंदी नहीं समझ में आ रही उनके लिए मैं अंग्रेजी शब्द का भी प्रयोग कर रहा हूँ। ये देखिए, अच्छा ये गंदगी निकाल रहे हैं, तो इस तरह से गंदगी निकाल के देखो, गंदगी उसमें डाल दिया जाता है, में से उसमें निकाल लेते हैं। फिर इसमें भी गर्म होता रहता है, इसमें भी ऐसे ही साफ होता रहता है, ठीक है, इसमें भी गर्म होता है और उबलता रहता है, खोलता रहता है, तरीके से साफ होता रहता है। उसके बाद इसमें निकालने के बाद इसमें भी वो खोलता रहता है, गर्म होता रहता है, ठीक है, साफ होता रहता है। और देखो कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है, देख रहे हो फर्क दिख रहा होगा आपको, इसमें इस वाले में और इसमें फर्क दिख रहा होगा। देखो काफी धुआं आ रहा है क्योंकि मेरे पीछे ही बन रहा है, आप देख सकते हो भाई साहब कुछ दिख नहीं रहा है, ये कोहरा नहीं है, ये धुआं है, ठीक है। और साफ होने के बाद फिर उसमें डाला जाता है, देख रहे हो वो, देखो वो एक आदमी चलाने भी लगा है, इतना धुआं है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो उसमें डाला जाता है, उसमें भी उबलता है। और आपको आगे से दिखा देते हैं हम, ये देखो यहाँ पे वो देखो एक शख्स उसमें चला रहा है, तो वो जो आखिरी वाली जो कढ़ाई है, ठीक है, उसमें देखो चलाया जा रहा है, वो फाइनल प्रोसेस है, ठीक है, देखो उसमें चलाया जा रहा है, उसमें चला रहे हैं, है ना। और अभी तो धुआं है, आपको दिखाते हैं, धुआं कम हो जाए आपको दिखाते हैं। तो भाई ये देखो उसमें से, ठीक है, निकाल के इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है, काफी धुआं आ रहा है क्योंकि मेरे पीछे ही बन रहा है। का रंग देखो, ये देखो क्या बात है, ये देखो भाई साहब काफी गर्म है, मैं हट जाता हूँ वहाँ पे, ओ भाई। और वो इंसान नहीं दिख रहा है, मतलब इतना धुआं है, इतना मेहनत वाला काम है। आपको लगता है गुड़ बहुत सस्ता है, लेकिन मेहनत कितनी होती है, जितनी मेहनत होती है उतनी उसका दाम नहीं है। अगर सही में उसका दाम लगाने जाओगे तो बहुत महंगा होना चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत वाला काम है, लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं तब जाके आपको बेहतरीन देसी गुड़ मिलता है। और ये देख सकते हो कितना मेहनत लग रहा है भाई, ये देखो, तो एक इंसान देखो कितना मेहनत कर रहा है, इतने धुएं में खड़ा। इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो इसमें आग लगाई जाती है, जो इतना जो नीचे गर्मी है, जो नीचे आग जल रही है, वो ये देखो जो गन्ना का रस निकाला जाता है, वो गन्ना का रस निकालने के बाद जिसे आप वेस्ट बोलते हैं, उसे ये लोग फ्यूल बोलते हैं, हिंदी में ईंधन बोलते हैं, उसे वो इसमें डालते हैं। ये देखो, तो आप देख सकते हो नीचे कितनी ज़्यादा आग लगी हुई है, ज्वालामुखी जैसे आग लगी हुई है, ठीक है। और उसमें ये डालते हैं, जरा डालना चाहता एक बार, उसमें ये डालते हैं, देखो ऐसे बैठ जाएंगे और इसको ये लकड़ी से ऐसे डालते रहेंगे, ये देखो क्या बात है, ये देखो, ओहो ऐसे ही डालते रहेंगे। तो ना लकड़ी ना कोयला, ठीक है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। इसी गन्ने से रस निकलता है, और उसी गन्ने से रस निकलने के बाद जो बचता है उसे ये सुखा कर जला देते हैं। तो इस तरीके से देसी गुड़ का पूरा प्रोसेस होता है, इस तरीके से देसी गुड़ पूरा तैयार किया जाता है। इस वाली कढ़ाई में निकाल देते हैं, ठीक है, ऐसे, और इसमें निकाल कर छोड़ देते हैं, ये इसमें जमता है बढ़िया तरीके से, ठंडा होता है क्योंकि काफी गर्म रहता है, तो इसमें ये जमता है, इसमें ठंडा होता है। और इसमें ठंडा होने के बाद तो देखो जो फाइनल प्रोसेस था, जो आखिरी जो कढ़ाई थी, ठीक है, उस आखिरी कढ़ाई में गुड़ जम चुका है, बट लेकिन अभी भी काफ़ी गर्म है, आप देख सकते हो अभी भी एकदम मतलब ठोस नहीं हुआ है, हार्ड नहीं हुआ है, सॉलिड नहीं हुआ है। और इस तरीके से देखो गुड़ को निकालते हैं, काफ़ी मेहनत वाला काम है, और फिर वहाँ से लाते हैं और इसमें डालते हैं। तो इस तरीके से देसी गुड़ पूरा तैयार होता है, ठीक है। इस पूरा प्रोसेस आपको दिखा दिया, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वैसे तो आपको मालूम है गुड़ की मेकिंग हम काफ़ी साल से करते आ रहे हैं, बट फिर भी इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। हमें आपको फिर से दिखा दें और फिर से याद दिला दें कि ठंडी में देसी गुड़ खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस तरीके से गुड़ को बना तो सकते नहीं हो, बट इस तरीके से आप आ सकते हो ऐसी जगह जहाँ पे देसी गुड़ बनता है। और ये देखो क्या बात है, ये तैयार हो गया हमारा देसी गुड़ भाई साहब।